ये सामान है। तो दोस्तों ये इतना सामान, तीन जोड़ी जूते लाया ये। फिर दूसरी जगह गाड़ी रोको, फिर खाओ। आज ही बोलो व्लॉग में। अब हम पहुंच गए घर, आधी रात, कोई नहीं सोया, सब उठे। सुभाष कौन है? गंदे दादा। हाँ। इसे बंद कर दो। तो ये हाल है रूम का। हमने सोचा था कि सुबह सुबह चले जाएंगे, ये पैकिंग रखी हुई है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। तो आज हम जाने वाले थे हल्द्वानी सुबह 4 बजे और यहाँ बज चुके हैं 11। अभी तक हम घर से हिले भी नहीं हैं क्योंकि लक्की को आ गया था काम अर्जेंट, तो जाना नहीं पड़ा, मतलब हम जा नहीं पाए। अब हम जाएंगे, पता नहीं कितने बजे जाएंगे, 2, 3, 4 या 12, 1, 2, टाइम का कुछ पता नहीं है। रूम की हालत बहुत ही बेकार हो रखी है, हद से ज़्यादा। हाँ भाई, बस कुछ तेरे पापा की वजह से कि नहीं गए, कि काम हो गया था तेरे पापा का अर्जेंट वाला, इसलिए नहीं जा पाए। कब जाना है तू बता, कब जाना है? तेरे पापा बताएंगे, हमें तो पता ही नहीं कब जाना है। इसके पापा बताएंगे, ये बताएगा कब जाना है, बता। मैं तेरे भरोसे बैठी हूँ। तो गाइस सारी पैकिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट, बस मेरी नहीं हुई है क्योंकि मैं आराम से कर रही हूँ, लास्ट टाइम पे करूंगी मैं। कि मेरे जूते चप्पल ये वो सो इनकी दिखाती हूँ। मैडम कृष्ण ने खाना खिला दिया आपने? हाँ? खिला दिया, दिया बगैर नहाए खिला दी थी कभी कभी तो। अच्छा आज से खिलाने को बोला। यहाँ देखो कपड़ों की पैकिंग चल रही है, ये देखो ये इनकी दो की पैकिंग, इतनी तो मेरी भी नहीं है। लड़ाई हो गई गाइस, तो मैं आपको अपने हस्बैंड दिखाती हूँ। भाभी है क्या ऐसी? अरे लाइट, ये देखो इनको पता नहीं कौन सी टेंशन हो रही है यहाँ पे। क्या करे आरती, स्कूल के फ्रॉक पहनता तो है नहीं घर की। तो गाइस हम लोग जाने के लिए हो गए रेडी। नित्ती को देखो कितना स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट सॉक्स, अभी बाल सेट करने हैं। मैंने भी सॉक्स, मैं जूते ही पहने। ये देखो ये वो नहीं दिखा, वो नहीं दिखाने थे, मैंने भी सॉक्स, जूते नहीं दिखाने थे। ये जूते इतने महंगे महंगे लाते हैं, समझ नहीं करता क्या है इसके जूते इतने महंगे जूते आते कि मैं क्या बताऊं। अच्छे से दिखाओ, ये देखो नया डिजाइन अल्फा फ्लाई 3। ये तो खाली खाली ले रखे आधी के सूट में। तो अब हम निकलेंगे, 2 अभी बज रहे हैं 12:30 और निकलेंगे 12:30 के, 1:30 बजे, इनके 1:30 बजे के अप्रॉक्स निकलेंगे। देखते हैं दिल्ली से एक घंटे तक ऐसे जूते में घूमता रहेगा, क्या पता 2 बजे के अप्रॉक्स निकले। और इतना सामान हो गया, इतना बड़ी वाली गाड़ी में भी नहीं जाएगा, पता नहीं छोटी वाली गाड़ी में कैसे एडजस्ट करेंगे। वो अंदर भी है, वहाँ सामान बहुत है, बाहर भी है, बहुत सामान है। देखते हैं, एक गोद गोद में रखना अपनी। तो ये सामान है, तो दोस्तों ये इतना सामान तो ऋतिक का ही है, 1, 2, 3, 4, 5 तो ऋतिक के बैग ही है। ये भी है, ये भी ऋतिक का बैग है। ये इतना मतलब लड़की के इतने सामान ले जाता है ये। लक्की अभी आए और नाश्ता कर रहे हैं, बड़ा टेंशन में नजर आ रहा है कि मैं इतनी बाइक कैसे लाऊंगा गाड़ी। झूठ बोल रहा है, तीन जोड़ी जूते लाया ये, कितना झूठ बोल रहे। कितना झूठ बोलता है भाई साहब, बहुत झूठ बोलता है। इसके पापा जाके 3 जोड़ी जूते लेके आया है और बोल रहा है कि नहीं, अब तेरे पापा को लॉक दिखाऊंगी वाला। और आज देखो यहाँ पर तैयार हो रहा है, ग्रीन सूट पहनना है। तो दोस्तों अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ। कितने का कि 5 करनी, कितने का है? 500 का। तो गाइस मैं अब मैं होती हूँ तैयार, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ब्लॉग में बने रहिएगा। हल्द्वानी पहुंचते ही इतनी खुशी हो जाएगी आदि को, आदि के पैर जमीन में टिकेंगे। ओ आदि के जूते चप्पल रख दिया आरती, क्या करोगे स्कूल के बैग का? सुबह मासू के स्कूल क्या करोगे वहां पढ़ के? पापा से बोलो सब दे दूं, फिर वही पढ़ोगे आप? इस बार तो मैं
मैं वही छोड़ के आऊंगी आपको देखना, मैं पापा के पास जाती हूँ। चल दो यार चल दो। तो गाइस फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। अब सामान वामान रख दिया है, पूरा पैक हो चुका है और आदि को बिल्कुल चलो 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 ऐसी हो रही है। मेरे को तो इतनी हो नहीं रही है, चलो चलो क्योंकि थोड़ी आंखें भी खराब लग रही है मुझे, गले में कुछ अटक गया। क्या भूख लग रही है? अभी लक्की तुम्हें वहाँ खाना खिलाएंगे बढ़िया वाला रेस्टोरेंट में। लक्की योगी को भूख लग रही है, घर से खा के चलो। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है गाइस, सारा फ्रस्ट्रेशन योगी में निकल रहा है आज। क्या गजब, आदि यहाँ देखो, आदि देखो मुझे भी ले जाओ। ये भी है? नहीं ले जाएंगे। चांदी बोल रहा है क्या? घर का राशन, घर का भाई वो तो विवेक लाएगी ना, राशन नहीं लेती है, राशन लेके जाते हैं ना, कहा सब जाएंगे, सब जाएंगे, तीन बजे 15 मिनट है, सुबह के तैयार हुए अभी निकल रहे, और ये है कोट शेरवानी और पता नहीं क्या क्या सिलवा रहे हैं। सामान पैर रखे बैठी थी, मतलब काम भी करो तुम कहते हो काम चोर हूँ यार, काम चोर नहीं हूँ, बहुत काम करती हूँ। देखो योगी देखो मेरे तो सामान भरा, योगी ने क्या उठाया, देखो टाइमेक्स का डब्बा। हाँ फोन दे दो, पूरी गाड़ी में सामान रखे आदत है, चले दे दो। यहाँ योगी बन के, यहाँ योगी रानी एलिजाबेथ बन के बैठ गई है और ये लोग भी बैठ चुके हैं, खुशी हो रही है इनको बहुत। सामान गाड़ी में इतना ठसाठस भरा हुआ है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। आ रही हूँ, देखो हम ऐसे बैठेंगे, एडजस्ट हो गया। ये देखो गाड़ी में सामान ही सामान है। भाभी आप चले मत जाना, रुक जाओ रुक जाओ, सामान ही सामान है। तो दोस्तों आज तो मुझे लगता नहीं ब्लॉगिंग में सिर्फ मेरा ही मेरा चेहरा दिखेगा, तो मुझे बनाने का भी फ़ायदा है, सामान इतना सारा है। और आप लोग बाहर के नज़ारे देख के हल्द्वानी जाने का मज़ा लो। हम हल्द्वानी पहुंचेंगे रात के लगभग 10 या 11 बजे। खुशी भी है और थोड़ा मतलब क्या बताऊँ आपको, आप छोड़ो, लेकिन देखो दिल्ली दिख रही है आपको आधी अधूरी। तो यहाँ पे खाएंगे खाना सिवा ढाबा पे। भूख लग रही है? नहीं मैंने तो नहीं खाया ना, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। योगी इतनी दूर बैठी है, आदि कहाँ है? अरे आदि को तो पता ही नहीं, आदि तो दिख ही नहीं रहे, आदि तो सो गया। अरे इसको इन्नू भी आ गई, अरे मेरा क्यूट भी सो गया। योगी ऑर्डर दो, सिंगापुर चाउमीन तो ऋतिक के लिए देनी है, बाकी पनीर वनीर देखते हैं। क्या बोल रहे हो तुम, प्याज नहीं खा रहे? आज खाना देखती हूँ, स्पेशल थाली देखती हूँ। क्या है मतलब, लोगों का भी इंतजार नहीं करोगे? नहीं हमने कहा है कि उसकी नियुक्ति के लिए सिंगापुरी चाउमीन मंगानी है, भाभी आपको दीदी के लिए जो मंगाना है मंगा लो, और योगी से कहना जो मंगाना है मंगा लो। निका शायद, निका शायद पैसे आज ऋतिक दे, स्पेशल थाली मंगाऊंगी आज।
क्या खाओगे? ठीक है ओके। पंखा भी बहुत ही तेज चल रहा है, घर ऊपर से इसको ठंडा हो रहा है। बस ब्लॉगर मम्मा ने पंखा बंद करवा दिया, अब पंखा बंद कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं? ये हमारा बिना लहसुन प्याज का खाना है। 47.5 भगवान से डर, भगवान से बोल रहा है कि प्याज मंगा लो और ब्लॉग में मत लेना दीदी। भैया स्ट्रॉ ले आना, स्ट्रॉ उसे स्ट्रॉ से पीना है। प्याज नहीं खाना दीदी। आधी लस्सी में क्या डाला है बेटा, स्ट्रॉ से पियोगे? अरे भैया जरा बोले आना। ठीक है अब हमने खा लिया खाना पीना, अब हम जाएंगे सीधे यहाँ पे। आपका सही है यार, पहले खाना खा लो फिर पेट खाली कर लो, फिर दूसरी जगह गाड़ी रोको फिर खाओ फिर पेट खाली कर लो। खाली बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हाथ धोने गई थी, मुझे पता है। और चाय भी अच्छी होती, बहुत ज्यादा अच्छी यम्मी एकदम। आप देख सकते हो ऋतिक को, ये अपनी गर्लफ्रेंड की यादों में खोया हुआ है और देखो हंसते हुए आ रहा है। गर्लफ्रेंड मिल गई, बात हो गई तेरी? अरे जिससे तू बात कर रहा था फोन में भी। मैं किससे कर रहा था। पता है कोमल क्या बोलती है, तुम ना ऋतिक का बुग्गा बनाते हो, मेरा मत बनाना। तुम ऋतिक का बहुत बुग्गा बनाते हो। आदि को देखो, आदि बिल्कुल लड़की लग रहा है यार, ग्रीन जूते ये देखो। यार योगी चोरी करके लाई है यार, योगी एक नंबर की चोटी है। आने बाप के लिए लाई हुई है, दिख नहीं रहा? ये देखो चोटी है एकदम ही चोटी। चले लकी, लेकिन यार स्पेस बड़ा अच्छा है वहाँ पर। वहाँ दीदी क्या कर रहे हो आप? और लड़की कपड़े खुलवा देती यार, लड़की कपड़े अभी मेरी बेइज्जती वाले का पक्का। मैंने खुलवाए लड़की के कपड़े। मैं यही बहन, यही बहन नहीं चलो। अब हम निकल चुके हैं खाना खा के टाइम हो गया निकले, वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सही में सीरियसली सच्ची पता नहीं था मुझे, काम ही है सोने का, क्या करें। आदि ने तो क्या क्या इन्वेंशन निकल लिया है, पर कैसे कैसे बैठा है भैया। क्या तुम पीछे को और भी चला के दिखा देती हूँ, चलानी तो आती है। आओ तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पे, ऊपर से तुम जला रहे हो दीपू की तारीफ करके। दीपू देख ले जला रहे, क्या कह रहे हैं भरोसा सिर्फ दीपू पे। अच्छा दीदी लगाना भूल गया तू शायद, दीदी लगाना भूल गया तू। अरे भैया कह रहे हैं ऐसा, दीदी तो मैं कहता ही हूँ। चाली फिर आती करवा ली, देखो ना आदि बोलो व्लॉग में कुछ। मित्र को पहुंच चुके हैं हम, आदि व्लॉग बनाएगा। आदि आगे कटप्पा भी गाड़ी में है। और कौन है? वो भी व्लॉग में दिख रहा है। अभी नहीं दिख रहा, ले लो कटप्पा को व्लॉग में ले लो। नहीं अभी अंदर ले रहा हूँ कटप्पा को, ये मैं गाइस शीशा खोलने आना और कटप्पा अंदर आएगा। तो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं मंडी के आसपास और अब मिलेंगे हम पापा से, कि पापा ने कहा कि मंडी में आ जाओ मिलने के लिए, तो मंडी में पापा से मिलेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। और रात के बजने वाले हैं 11 बजे में 15 मिनट है। हम पहुंच गए मंडी में। अब तू एक दानी खा ले, मंडी याद कर, नहीं कर नहीं कर। आप बताओ ये बेटा, ये इसमें पापा आप ठीक हो? आपकी तबीयत ठीक है? अरे जुकाम हो रहा है। तो गाइस मैंने पहले नमस्कार बोल दिया था, जुकाम हो रहा है। नमस्कार अंकल, जब तक शादी तक पूरा काम निपटाना था उसके बाद जो भी होता। आप दवाई खा रहे हो ना? दवाई खा रहा हूँ, घर वालों से कहा आपको चुपचाप रहना, तो आपका बीमार होना मत रहना। अरे गले मिल ऋतिक, गले मिल पापा, बहू से गले मिलते तू तो बेटा ये मिल ले।
ये देखो ये भी ठीक ही है फिर जगह। बाय पापा बाय, अब घर जाते हैं, कल मिलेंगे कल, बाय बाय। आज तो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बन चुका है बीच में कपड़ों से। ये बैठी है योगी, ये बैठी हूँ मैं, और ये आ चुका है घर हमारा। ओए फोन गिर गया हाथ से। ये आ चुका है हमारा घर, अब थोड़ी देर में करेंगे हम आपको घर के लोग दिखाएंगे। अब हम पहुंच गए घर, आदि कह रहा कोई नहीं सोया, सब उठे, सब नींद में भैया, सब नींद में। अरे तू यहाँ पर सामान तो उतारने दे भाई, सुबह मौज सो गए क्या, सब सो गए क्या? नमस्ते विवेक, नमस्ते, सब सो गए क्या? चलो चलो अंदर चलो। शीतल ने तो आज कह की बुआ शीतल के लिए अरे मेरे भाई को बोला कि डांस वांस नहीं आता, आपस में करना तो पड़ेगा भाई। अगर मुझसे बोला कि सानू डांस नहीं आता नहीं करना, मुझे इतनी फ्री मिलो, मेरे का चलो मैं तो बोल ही दूंगी। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप अब लकी मना कर दिए ना, आज नहीं आता तो जरूर नहीं डांस करना, मंदिर लगा था वो मैं दूर को कर लूंगी। आज रिकॉर्डिंग ही नहीं करेगी नहीं, मैं गई नहीं। क्यों? अरे वो मेरे को कॉलेज जाना था, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है ना। तुम पेपर देने नहीं गए? नहीं, और स्कूल भी तो बंद हो रहा है। वासु मेरा कॉल अप आ रहा था यार। वासु वासु खड़े जाओ, जल्दी खड़े जाओ, आदि 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 वासु 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 भाभी आई है, जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, अभी नींद इम्पोर्टेंट है। हेलो, बढ़िया बढ़िया, तुम कैसे हो? सुबह वासु आ जाओ, उठ जाओ, आदि सुबह चाचू को भी बुलाओ, सुबह चाचू आमा भी है। अरे आवा, और आपकी तबीयत ठीक है? मुझे आवा मैं ठीक हूँ। जाओ भाजी है तो ना, सुबह मिल जाएगा वो, अभी नींद में है। अरे शुभम उठ गए बाबू आप, ये देखो काव्या को भी उठा दिया रात के 11:30 बजे, शुभम को भी उठा दिया, चाची को भी उठा दिया। वहाँ देखो वहाँ चाचू उठ जाओ, चाचू ये रोने लग गया अंदर जाके, बोल रहा है सुबह वासु की मम्मी वासु को उठा नहीं रही है, बल इसकी आंखों में आंसू। वासु चाचू को उठाओ उठाओ आप उठाओ उठो, अभी अभी दिन हो रही बेटा, उठ जाओ अभी। यहाँ यहाँ आमा नमस्कार, बस रोगियों की रोने वाली है, अरे वहाँ उनका इमोशन सीन चल रहा है, यहाँ मैं दिखाती हूँ, आप भी आ जाओ। हेलो 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 पीयूष बाबू, नमस्ते, इतने बड़े जन, इतने बड़े जन, अरे आओ, तुम ऐसे क्या लग रहे हो, ये क्यों गलत बार बार गैस चली गया, किसकी बात कंजूसी करती थी क्या? नहीं, फिर कंजूसी नहीं, बहुत अच्छी दुकान थी, पता नहीं बार बार नहीं रुकता। जब हम सपने थोड़े बड़े करेंगे ना, तो गाइस जब हम एक्सपेक्ट करते बहुत अच्छा तो बहुत बुरा होता है, और जब एक्सपेक्ट ही नहीं करते तो बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा आरती के साथ हुआ, हमने ब्लाउज सिलाए सबों ने, सबसे अच्छा आरती सिला, एक्सपेक्ट ही नहीं करे अच्छा सिलेगा, और सबसे बेकार योगी है, क्योंकि योगी ने बहुत एक्सपेक्टेशन की थी कि ये होगा वो होगा, ये देखो ये देखो पूरे। आदू क्या कर रहा है ये, शुभम चाचू को भी तो मिलो गले, फिर शुभम शुभम आ जाओ, इस शरम इस शरम, आओ तुम भी गले मिलो, चलो चलो आदि ये गले मिलो, क्यों नहीं लिए
यहाँ योगी इंस्पेक्शन कर रही है अपने दीदी के सामान का कि क्या लिया है क्या नहीं लिया है। यहाँ पर खुली हुई है। इतना थक गई मुझे तो बोलने का मन भी नहीं कर रहा, बहुत थकी मैं। अपन यहाँ देखो